तो मेरी नाश्ता रेसिपी देखने के लिए फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मैंने कैसे बनाया बहुत ही टेस्टी और यम्मी सा ये नाश्ता तैयार हुआ है, बिल्कुल हेल्दी नाश्ता है। एक चम्मच तेल घी में आप इसे तैयार कर सकती हैं। तो देखिए ये बहुत ही बढ़िया, आप इसे बच्चे को लंच में या फिर ऑफिस में भी जा रहे हैं तो टिफिन में दे सकती हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ले लिया है एक कप सूजी लिया है, आप किसी भी कटोरी या कप से आप मेजरिंग कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो है बारीक वाला सूजी हम लिए हैं, आप चाहे तो मोटा वाला भी सूजी का इस्तेमाल कर सकती हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो है एक कप सूजी लिए हैं और सूजी को जो है अब हम ये देखिए यहाँ पे आप चाहे मोटा या बारीक वाला कोई भी सूजी का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कप सूजी लिया है, आप कितने लोगों का नाश्ता बनाना चाहती हैं उस हिसाब से आप ज़्यादा या कम कर सकती हैं। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं मिक्सी का जार और इस सूजी को हम इसमें डाल देते हैं। आप अगर ज़्यादा लोग के लिए बनाना चाहती हैं तो उस हिसाब से सूजी ले लीजिएगा। और यहाँ पे हम ले लिए हैं दही, तो दही मेरा घर का है, बिल्कुल बढ़िया गाढ़ा दही है। दही जो है खट्टा नहीं होना चाहिए, मीठी दही होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा खट्टे दही का आप लोग इस्तेमाल इस नाश्ते में नहीं कीजिएगा। और अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, तो पानी को डाल देंगे और इसे हम हल्का सा ही पानी डाल के इसे चला लेंगे। फिर पानी जब कम लगेगा तो और भी हम डाल लेंगे। तो ढक्कन लगा करके हम जो है इसे यहाँ पे इसका पेस्ट हम तैयार कर लिए हैं। तो ये देख सकती हैं आप बहुत ही बढ़िया सा ये पेस्ट तैयार हुआ। अभी ये गाढ़ा है क्योंकि मैंने पानी कम डालकर तैयार किया है। अब इसमें के ऊपर हम पानी डाल सकते हैं, तो इसे हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद यहाँ पे हम चम्मच से निकाल लेंगे क्योंकि गाढ़ा है तो निकलने में ऐसे थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे निकाल लिया है सभी को, और अब इसमें हम पानी जो है डाल देंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें पतला भी नहीं करना है क्योंकि इसका पेस्ट बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम पानी को डालते हुए इसे फेंट लेंगे अच्छे से, बिल्कुल इसे फेंट कर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने आधा कप और पानी लगभग डाल दिया है इसमें, और अब इसका हम अच्छा सा घोल तैयार कर लेते हैं। इसे फेंटते हुए हम अच्छा सा घोल तैयार करेंगे। तो देखिए इसे हम ऐसे ही बिना सोडा बिना नींबू का ये बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। इसमें बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल नहीं किए हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया सा नाश्ता हमारा तैयार होगा। इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, लगभग आधा चम्मच नमक डालना है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है। नमक को डालते हुए हम इसे अच्छे से बिल्कुल फेंट लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने फेंट कर इसे रेडी कर लिया। अब इसे ढककर हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देते हैं, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने गैस को ऑन कर लिया है, गैस ऑन करेंगे और गैस ऑन करके पैन को रख देते हैं गर्म होने के लिए। तो पैन मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। यहाँ पे देख सकती हैं पैन गरम हो चुका है, और अब यहाँ पे हम डाल देते हैं घी। तो घी को मेल्ट होने देते हैं, जब घी मेल्ट हो जाएगा फिर इसमें हम दिखाते हैं कैसे बनाना है। वीडियो के साथ आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को आप लोग बीच में स्किप नहीं किया करें। तो यहाँ पे जो है हमारा घी गर्म हो चुका है और इसमें हम सबसे पहले एक चम्मच डाल दिए हैं खड़ा जीरा, और ये लिए हैं बारीक काट कर प्याज जो है बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च। आप जो है अगर तीखा कम खाना पसंद करती हैं तो मिर्च कम भी कर सकती हैं, अपने टेस्ट अनुसार आप डाल सकती हैं। तो प्याज को अब हमें जो है बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सा इसे सॉफ्ट कर लेना है। मिर्च और प्याज को जो मैंने डाला हुआ है तो इसे हम
चलाते हुए इसे कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा घी या तेल का इस्तेमाल नहीं किए हैं और इसी के साथ थोड़ा सा डाल देते हैं हल्दी पाउडर, आधा चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर, और यहाँ पे नमक डाल देते हैं। टेस्ट अनुसार नमक डाल देंगे। नमक हम पहले भी पेस्ट में डाले हैं तो उस हिसाब से ही नमक डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। ये बिल्कुल फ्रेंड्स हेल्दी नाश्ता, ये एक चम्मच तेल में ये नाश्ता हमारा तैयार होगा। तो यहाँ पे हम डाले हैं एक चम्मच के लगभग काली मिर्च पाउडर। गर्मियों में बिल्कुल भी आपको अगर तेल घी नहीं खाना पसंद है तो ये हेल्दी सा नाश्ता आप तैयार कर सकती हैं और बहुत ही झटपट बनने वाला है। यहाँ पे ले लिए हैं बॉइल्ड आलू, तो यहाँ पे 5 से 6 बॉइल्ड आलू लिए हैं। इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं, तो हाथों से इसे हम तोड़ लेते हैं। आप चाहे तो मैशर से या फिर स्पून के हेल्प से भी कर सकती हैं। हम हाथों से ही इसे तोड़ लिए हैं, बिल्कुल बारीक कर लिए हैं, और अब इसे हम आलू को डालकर इसमें हम अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लेंगे आलू को। अब इसके साथ ही हम डाल देते हैं थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल सकती हैं। उससे भी जो है क्या है फ्रेंड्स कि इस समय गर्मियों में थोड़ा सा आलू में मिठास हो जाता है, तो अगर थोड़ा सा आप खट्टापन कुछ डाल देंगे, लेमन जूस हो या अमचूर पाउडर, तो उससे आपका आलू में जो है मिठास नहीं आएगा और टेस्ट बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं ये हमारा हो गया है। इसे हम निकाल दिए थे ठंडा होने के लिए। अब इसे हम हाथों पे लेंगे और छोटा छोटा इसको टिक्की का शेप देंगे, गोल गोल टिक्की का शेप देंगे। आप चाहे बड़ा या छोटा जैसा भी रखना चाहती हैं कर सकती हैं। यहाँ पे हम मीडियम साइज का किए हैं, ना तो बहुत बड़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा है। तो इसी तरीके से हम सारे टिक्की के तैयार कर लेते हैं। सभी टिक्की को बनाकर रेडी कर लिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम आगे के तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं फ्रेंड्स कटोरी। आपके पास जो भी आपके घर में कटोरी हो उसे आप ले सकती हैं। तो यहाँ पे हम कटोरी ले लिए हैं और इसमें हल्का सा ब्रश के हेल्प से घी या तेल आप इसमें ग्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम 4 ले लिए हैं कटोरी, एक साइज की बिल्कुल कटोरी लिए हैं। आप बड़ा या छोटा भी कर सकती हैं, उससे कुछ फर्क नहीं होगा। अब जो यहाँ पे हम पेस्ट बना के रखे थे, तो आप देख सकती हैं सूजी का पेस्ट हमारा बहुत ही अच्छा रेडी हुआ है। तो इसको हम कटोरी में डालते हैं, पूरे भरकर हमें नहीं डालना है। एक एक कलछल या चम्मच जो भी आप लेती हैं उसके हेल्प से हम यहाँ पे डाल देंगे। तो सभी कटोरी में हम इसे डाल देते हैं, ये देखिए। और डालने के बाद इसे हल्का सा टैप करते हुए बराबर कर लेंगे। तो सभी को हमने बराबर कर लिया, और जो अब ये टिक्की बनाकर हम रखे हुए हैं इसके ऊपर से हम डाल देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो है हम टिक्की को डालते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता है फ्रेंड्स, बनाने में भी बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा सामान का भी इस नाश्ते में खर्चा नहीं है, आप कम सामान में ही बना सकती हैं। इसके ऊपर से फिर हमें एक एक कलछल जो है डाल लेना है। तो देखिए टिक्की डालने के बाद एक एक कलछल हम फिर डालेंगे, इसका जो पेस्ट हम बना के रखे हैं सूजी का घोल उसे फिर हम डालेंगे, ताकि अच्छे से बिल्कुल ये मिल जाए, चारों तरफ से अच्छे से मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, अब इसे हमें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले से ही फ्रेंड्स गैस पे पानी रख दिए हैं गर्म होने के लिए। तो पानी हमारा बॉइल्ड हो चुका है, और इसमें अब हम रख देते हैं स्टैंड। आप स्टैंड या कटोरी कुछ भी रख सकती हैं, इसके जो भी आपके पास हो कटोरी या स्टैंड आप उसे रख दीजिएगा। और इसके ऊपर से हम इसे रख देते हैं स्टीम होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमने रख दिया है 3 कटोरी, क्योंकि सभी 4 कटोरी नहीं आएगा, 3 कटोरी ही बराबर हो रहा है, फिर बाकी हम बाद में बनाएंगे। और अब हम लिड लगाकर इसे 15 से 20 मिनट तक कम से कम पकने देते हैं,
ताकि ये अच्छे से बिल्कुल पक जाए, कच्चा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 15 से 20 मिनट हमारा हो चुका है। अब हम लीड हटाकर एक बार इसे चेक कर लेते हैं कि ये हो गया है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए हम स्पून से देखते हैं, ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया हमारा ये नाश्ता होकर तैयार है। तो इसे हम बिल्कुल अभी गर्म नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया है, अब ये ठंडा हो चुका है। तो इसको हम चाकू के हेल्प से किनारे किनारे का बहुत ही आराम से धीरे धीरे करके इसे कट करके निकाल लेंगे। निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है निकालने में, तो बहुत ही आसानी से ये निकल जाएगा और ये बहुत ही हेल्दी और झटपट बनने वाला नाश्ता बड़े हो या बच्चे सभी को पसंद आएंगे। तो थोड़ा सा कटोरी पे हम टैप टैप करते हुए इसे हम जो है निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सभी नाश्ते को बना के तैयार कर लिया। इसे मीठी चटनी या फिर आजकल तो आम की खट्टी मीठी चटनी भी बहुत अच्छा बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने दोनों चटनी को साथ सर्व किया है, आपको जो भी पसंद हो उसके साथ आप खा सकती हैं। और ये नाश्ता झटपट बनने वाला है, आपको हम कट करके दिखाते हैं कि ये कितना बढ़िया स्टफिंग वाला नाश्ता तैयार हुआ है, झटपट बनने वाला, कोई भी इसमें तामझाम नहीं है। और आप इसे किचन में आजकल गर्मियों में खड़ा होने का मन नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, तो बहुत ही कम समय में आप इस नाश्ते को तैयार कर सकती हैं। तो इसका आप लुक देख सकती हैं कितना टेस्टी लग रहा है, बहुत ही टेस्टी यम्मी सा ये नाश्ता हमारा तैयार है। तो आप इसे मीठी चटनी या खट्टी चटनी जो भी आपको पसंद हो उसके साथ आप ये नाश्ता कर सकती हैं और झटपट बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी ये नाश्ता रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ अपना प्यारा सा लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को